अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, यू वेलकम अगेन विद न्यू लिस्ट। फर्स्ट वर्ड है एलिविएट। ये वर्ब होता है, इट मींस टू मेक लेस सेवियर। अच्छा, अब आपने ये चीज़ डिफरेंशिएट खुद से करते रहना है कि जो जो वर्ड्स हम जो अभी तक पढ़े हैं उसमें सिवेरिटी इंक्रीज करने के लिए कौन से वर्ड यूज हो रहे हैं और सिवेरिटी डिक्रीज करने के लिए, मतलब किसी चीज़ को कम करने के लिए कौन से अल्फाज का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, एलिविएट मतलब सिवेरिटी आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं, जैसे मैं सेंटेंस बताती हूँ, व्हाट आर इफेक्टिव वेज टू एलिविएट क्राइम रेट। ठीक है, तो क्राइम रेट इन आर सोसाइटी, तो यहाँ पे एलिविएट किस लिए यूज हो रहा है, कि किसी चीज़ जो क्राइम रेट ऑलरेडी कोई बुरी चीज़ है और उसकी सिवेरिटी हम किस तरह से कम करें। ठीक है, तो इसका एंटोनिम हो सकता है एग्रवेट। और अगर आप रिकॉल करें तो ये वर्ड हमने पहले पढ़ा था, डिस्कस किया था। नेक्स्ट वर्ड इज कैकोफनी। ये नाउन होता है, इट मींस डिस्कॉर्डेंट लाउड नॉइजेस। अच्छा, नॉइज आपको वैसे ही पता है कि नॉइज ऐसी चीज होती है जो अच्छी नहीं लग रही होती, बुरी बुरी आवाजों को नॉइज कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसी इतनी ज्यादा बुरी आवाजें जो बिल्कुल बिल्कुल भी सुनने में अच्छी ना लगे, तो इसके लिए डिस्कॉर्डेंट मतलब ये एक्सट्रीम लेवल की बुरी आवाजों के लिए ये वर्ड यूज होता है कैकोफनी। तो इसके एंटोनिम्स होंगे, एक तो होगा म्यूजिकल हार्मनी, कोई ऐसी चीज जो अच्छी लगे सुनने में, हार्मनी और म्यूजिकल हार्मनी, क्योंकि नॉइज का ऑपोजिट म्यूजिक होता है। और दूसरा एंटोनिम होगा रेगुलरिटी। नेक्स्ट वर्ड इज डिनाउंस। डिनाउंस एज ए वर्ब यूज होता है, इट मीन्स टू कंडेम और स्पीक आउट अगेंस्ट, मतलब किसी चीज के खिलाफ बोलना डिनाउंस कहलाता है। एक्शन वर्ड है, इसका एंटोनिम होगा प्रेज। एग्जास्परेटेड एडजेक्टिव होता है, इट मीन्स फ्रस्ट्रेटेड और अनोयड। अब आप ये भी देख रहे हैं कि अनोइंग या फ्रस्ट्रेशन के लिए कितने ज़्यादा वर्ड्स हम यूज़ कर सकते हैं, मतलब अगर आपने कोई भी चीज़ एक्सप्लेन करनी है एक ही पैराग्राफ में तो आप रिपीट नहीं करेंगे इस एक ही वर्ड, आप उसके सिनोनिम्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपकी वोकैबुलरी बैंक अच्छा होने का यह आपको फ़ायदा होता है, एक्सप्रेशन अच्छा बनता है आपका रिटर्न का। इसके एंटोनिम्स होंगे समथिंग प्लीजिंग और डिलाइटफुल। अगेन एग्जास्परेटेड का ये भी बता दूं कि एग्जास्परेट होता तो भी एडजेक्टिव ही होता, एग्जास्परेटेड इसका सेकेंड फॉर्म है ग्रामर के हिसाब से, पास्ट की बात होती है तो एग्जास्परेटेड वर्ड यूज होता है। इग्नोमिनी नाउन है, इट मींस शेम। इसका वर्ड, ये वाला वर्ड हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, लास्ट सेशन में वीडियो में, तो आप अब याद रख सकते हैं कि इग्नोमिनियस जो है वो शेमफुल के लिए एज एन एडजेक्टिव यूज होता है और इग्नोमिनी है तो एज ए नाउन यूज होगा। इसका एंटोनिम होगा ऑनर। देन वी हैव लाइट एडजेक्टिव है, इट मीन्स फ्लेक्सिबल और सपल। इसके एंटोनिम्स होंगे क्लमजी और स्टिफ। ओमनीसिएंट एडजेक्टिव है, अगर आप रिकॉल करें तो इससे सिमिलर वर्ड हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, उससे भी आप इसको याद रख सकते हैं। ओमनीसिएंट की तरह का एक वर्ड, इट मीन्स ऑल नोइंग। इसका एंटोनिम होगा अननोइंग और स्टूपिड, लेकिन वो इनफॉर्मल लैंग्वेज में आ जाता है। दोनों वर्ड्स आप याद रखेंगे तो एमसीक्यूज में आपको आइडेंटिफाई करने में इजी होगा। प्रैग्मेटिस्ट नाउन है, अब ये वाला वर्ड भी हमने इससे मिलता जुलता एक पहले किया था, अगर आपको वो वर्ड पता हो तो फिर आप प्रैग्मेटिस्ट को भी इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे। इट मींस अब
प्रैक्टिकल पर्सन और वन हु इज कंसर्न्ड विद यूजफुलनेस। तो इसके एंटोनिम्स होंगे आइडियलिस्ट और ऑप्टिमिस्ट भी आप कह सकते हैं, नियर एंटोनिम। सेकेंड लास्ट वन वर्ड सैकरिन एडजेक्टिव है, इट मींस फॉल्सली स्वीट। ये एज अ नाउन भी यूज होता है, वो भी फॉल्स स्वीटनर के लिए वर्ड यूज होता है सैकरिन। मतलब जो भी ये जो ऐसी कंपाउंड्स जो शुगर के स्टेज तो दें लेकिन वो शुगर हो नहीं इन एक्चुअल, तो वो भी सैकरिन कहलाते हैं। तो ये दोनों आप याद कर सकते हैं इजीली, दोनों वर्ड्स, दोनों उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से वाले। इसका एंटोनिम होगा सिनिकल। और अगर ये किसी पर्सन के लिए यूज होता है तो कोई ऐसा पर्सन जो मतलब फॉल्सली स्वीट के वो अपील ऐसे कर रहा है कि वो बहुत स्वीट है लेकिन वो एक्चुअली होता नहीं है, या फिर मेमोरीज के लिए यूज होता है कि सैकरिन मेमोरीज। तो कोई ऐसी मेमोरीज जो रिकॉल करने में कभी स्वीट लगेंगी या नहीं होंगी, कुछ ऐसा आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं बेहतर तरीके से। एंड लास्ट वन फॉर टुडे ट्रांजिएंट, ये भी एडजेक्टिव होता है, इट मीन्स शॉर्ट लिव्ड और एफिमेरल। तो इसके एंटोनिम्स होंगे परमानेंट और इटर्नल। ठीक है, आज के लिए इतना ही था, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, और अपनी प्रैक्टिस करते रहें काइंडली।